तो यहाँ पे 2 इंच अदरक लिया है। अदरक और यहाँ पे लहसुन ऐड करूँगी, वो इसलिए डाल रही हूँ, इससे क्या टेस्ट बढ़ जाएगा। चुकंदर में कोई टेस्ट नहीं होता है, उतना टेस्टी नहीं लगता है, और आप ऐसे नहीं खा पा रहे हो, तो इस तरीके से आप रोटी पराठा बना लीजिए, ताकि आपको मीन्स हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाए और बस आप बीट रूट पता भी ना चले कि आपने बीट रूट खाया है। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्ची डाल दी हैं और 2 चुकंदर हैं, इनको पील कर लिया और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मिक्सर जार में डाल के हम इनको ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा पतला सा लेंगे, ताकि ये आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए और हम आटा गूंथ सके। तो बीट रूट क्या होता है, हम ऐसे नहीं खा पाते, अगर सैलेड में आप खा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं खा पा रहे हैं तो इस तरीके से आप कोई भी रेसिपीज बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 10 कली लहसुन के लिए है, तो लहसुन अदरक और हरी मिर्ची से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज़ें ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, इसको मैंने छान लिया है, फिर हमने जो बीट रूट का जो मिक्सचर बनाया है उसको हम इसमें डाल देंगे। तो अगर इसमें बीट रूट क्या थोड़ा सा कड़क सा होता है ना, अगर इसमें बीट रूट के कुछ टुकड़े रह गए हैं तो आप उनको अलग कर दीजिए। अगर आप इसी आटे में रहने देंगे तो क्या होगा, जब आप रोटी बेलेंगे ना तो वो टुकड़े साथ में आएंगे, तो रोटी फट जाएगी, फूलेगी नहीं और अच्छे से नहीं बनेगी। इसलिए अगर टुकड़े रह गए हैं तो आप उनको अलग निकाल के अलग कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको नमक डालना है, नमक अपने अकॉर्डिंग जितना आपको नमक चाहिए। अब यहाँ पर मैं अमचूर डाल रही हूँ, अमचूर डालने से टेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि चुकंदर में उतना टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा टेस्ट डाल दीजिए, सॉरी अमचूर डाल दीजिए, ताकि अच्छे से टेस्ट आ जाए, और जो भी टुकड़े हैं उनको निकाल के अलग कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको पहले पानी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें ही चुकंदर में ही पानी निकला है ना, तो इतना पहले किसी चुकंदर से आटा गूंथ लीजिए। अगर उसके बाद हमको लग रहा है पानी ऐड करना है तो हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे, तो उसी जार में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, क्योंकि इसका जो डो बनाना है ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना और ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनाना है। जैसे हम रोटी का बनाते हैं मीडियम कंसिस्टेंसी वाला, वैसा ही डो बनाना है। अगर ज़्यादा गीला हो जाएगा तो आप रोटी बेल नहीं पाओगे। तो अब इसी डो से आप क्या कर सकते हो, इसी डो से आप पूरी जैसा बना सकते हो, लेकिन अगर हम हेल्दी में जा रहे हैं ना तो आप फ्राई तो नहीं खाओगे, ऑब्वियसली अगर हेल्दी वे में जा रहे हो तो फ्राई नहीं करना है। अगर आपको खाना है तो आप पूरी भी बना सकते हो, अदरवाइज रोटी और पराठा बनाने का बेस्ट ऑप्शन है। इसी से आप पराठा बना सकते हो, इसी से आप रोटी बना सकते हो। तो थोड़ा सा घी लगा के पराठा बना लीजिए, बहुत हेल्दी भी हो जाएगा और टेस्टी भी हो जाएगा। और रोटी भी बना लीजिए, रोटी बना के घी के साथ खा लीजिए, मतलब जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैं पूरी के लिए इसलिए नहीं मना कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा फ्राई में चला जाएगा ना, तो इस वजह से। तो देखिए, इतनी बड़ी मैंने लोई ले ली है, अब इसको हम थोड़ा सा आटा लगा के बेल लेंगे, फिर इसको सेकने की ओर चलेंगे। तो गाइज़, अब अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस मिलते रहें। और इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ वर्किंग मॉम्स के अकॉर्डिंग रेसिपीज़ और बच्चों को घर पे कैसे पढ़ाना है वो वीडियो शेयर करती रहूँगी, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तवा रख दिया था, तवा जब गर्म हो गया है तब हम इसमें रोटी डाल देंगे, और रोटी को थोड़ा सा ही एक साइड हम सिकने देते हैं, मतलब थोड़े से बबल्स आ जाएं, जस्ट थोड़ी सी कड़क सी हो जाए एक साइड से, उतना। देखिए, मैंने यहाँ पे पलटा दिया ना, इतनी हमको करना है। ये क्यों करना, क्योंकि डायरेक्ट जब हम उसमें हम फुलका रोटी बना रहे हैं ना, डायरेक्ट जब हम उसको फ्लेम पे डालेंगे ना तो वो अच्छे से मतलब फटे ना, दोनों साइड से थोड़ी कड़क सी रहे, इस वजह से। तो देखिए, अब ये दूसरी साइड अच्छे से हो गई है, तो मैं डायरेक्ट फ्लेम पर रख दूँगी, और देखिए मस्त रोटी फूल रही है हमारी। मैं फुलका टाइप की बना रही हूँ इसलिए, अदरवाइज़ आप तवे पे भी सेक सकते हो, थोड़ा सा घी लगा के या फिर ऐसे ही सेक सकते हो। मैं फुलका वाली रोटी बना रही हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारी रोटी बनके तैयार हो गई, अब हम इसमें घी लगा लेंगे और मस्त गर्मा गर्म सब्जी के साथ या फिर चटनी के साथ जैसे भी आपको पसंद है आप खा सकते हो। बहुत हेल्दी होती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। जो लोग बीट रूट खाना पसंद नहीं कर सकते हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। डिटॉक्स रोटी है ये, आपके शरीर से अनवांटेड जो भी तत्व है उनको निकाल देगी और आपकी बॉडी को क्लीन कर देगी। आप इसी तरीके से इसी डो से पराठा भी बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।